नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। देवभूमि यानी उत्तराखंड में कुदरत का कहर जारी है। दो दिनों की लगातार बारिश से देवभूमि में हाहाकार है। 25 जिंदगियां खत्म हो गई हैं, नदियां उफान पर हैं, सड़कों का पता नहीं और आसमानी आफत है कि थमती नहीं। देवभूमि में फिर हाहाकार। चार धाम यात्रा पर ब्रेक। ऋषिकेश में तबाही का सैलाब। पौड़ी में आसमान से प्रलय। उत्तराखंड में कुदरत का कहर फिर बरपा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही का ही मंजर है। तीन दिनों की बारिश ने देवभूमि की तस्वीर और तकदीर ही बदल दी है। कहीं नदियां उफान पर हैं, तो कहीं घर के घर तबाह हो गए। सड़कों तक का तो पता ही नहीं चल रहा। ऋषिकेश में गंगा पिछले साल की तरह ही डराने लगी है। गंगा का पानी परमार्थ आश्रम तक पहुंचने के लिए मच रहा है। गंगा का विकराल रूप शहरों में भी दिख रहा है। सड़कें गायब हैं, घरों तक पानी पहुंच गया है। ऋषिकेश में मनसा देवी इलाके में बाढ़ का पानी कभी नहीं पहुंचा, लेकिन इस बार हालात बेहद ही खराब है। बाढ़ से कुछ तबाही हुई कि ना कोई साधन ना कुछ मतलब यहाँ निकाली है, क्योंकि घर गिर गए। कब से ये बारिश, परसों से बारिश लगातार हो रही है, दिन भर रात भर चली रही है। ऋषिकेश में चंद्रभागा भी लबालब है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पानी पानी हो गया। कुछ सड़कें बची तो कुछ सैलाब के साथ बह गई। हाईवे से गुजरने की जिस किसी ने जरूरत दिखाई, उसका हाल आप खुद ही देख लीजिए। राहत के लिए जेसीबी को भेजा गया, लेकिन उसका हाल तो और भी बेहाल है। पौड़ी के यमकेश्वर में आसमान से प्रलय आया। बादल फटने से कई घर जमींदोज हो गए। रास्तों का पता नहीं, हर तरफ तबाही का मंजर ही दिख रहा। कोटद्वार में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। रस्सी के सहारे उफनती नदियों से पार पाया जा रहा है। राजधानी देहरादून पर भी पहाड़ के प्रलय का साइड इफेक्ट दिख रहा है। सौंग नदी यहाँ भी कहर ढा रही है। बिंदाल और रिसरना नदी भी पांव पसार रही है। शहर के गाठबंगला इलाके में बीती रात कई घरों पर तबाही का मलबा गिरा। कई घर तबाह हो गए। 7 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि एक महिला को जिंदा निकाला गया। ये देखिए, दो दिन से देहरादून में बारिश हो रही थी लगातार, और ये रिसरना नदी है, इसके किनारे पे एक कच्ची बस्ती बसी हुई है, उसी में 3 घर हैं, उन पे मलबा आया ऊपर से। पूरे इसमें ऑपरेशन में 7 लोग हैं जिनकी बॉडीज मिल चुकी हैं, और एक महिला है, उसको जिंदा निकाल लिया गया, जो कि पूरी तरह से नीचे दबी हुई थी। पिछले दो दिनों से लगातार बारिश से आई तबाही में अब तक 25 जिंदगियां खत्म हो गई, लेकिन तबाही और बारिश का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। देहरादून से दिलीप सिंह और ऋषिकेश से संजय आर्य के साथ आज तक ब्यूरो। बड़ा सवाल यह है कि पिछले कुछ सालों में जो घटनाएं घटी हैं उत्तराखंड में, उसको देखते हुए अभी राज्य सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट को किस तरीके से तैयार किया। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता की कमान थामते ही रक्षा क्षेत्र पर ध्यान दिया। सबसे पहले INS विक्रमादित्य को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। आज विध्वंसक युद्धपोत INS कोलकाता को उन्होंने नौसेना का को बेड़े में शामिल कर लिया। फर्श से अर्श तक पहुंचे नरेंद्र मोदी धनी किस्मत की मिसाल है। किस्मत की मेहरबानी ये भी देखिए कि जब से सरकार बनी है, उद्घाटन, लोकार्पण और समर्पण का दौर जारी है। तमाम ऐसी योजनाएं जो पिछली सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई, उनका लोकार्पण और समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। खुद को देश के नाम समर्पित करने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक और युद्धपोत देश को समर्पित किया। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी का रवैया आक्रामक रहा। उस आक्रामकता में हमेशा देश की सुरक्षा और शांति उनके पहले एजेंडे में रही। नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश में सुरक्षा का माहौल बनाने का दावा किया। इन दावों के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उनकी रक्षा नीतियों पर सबकी नजर ठहर गई। रक्षा के मोर्चे पर प्रधानमंत्री कितने सजग हैं, ये इससे साफ जाहिर है कि INS विक्रमादित्य और INS कोलकाता दोनों को नौसेना के बेड़े में खुद मोदी ने शामिल किया।
जबकि पहले की सरकार में प्रधानमंत्री इस तरह के कार्यक्रम में अधिकतर अपने रक्षा मंत्री ए के एंटनी को भेजा करते थे। प्रधानमंत्री शनिवार सुबह करीब 10 बजे मुंबई के नेवल बेस पहुंचे। नौसेना के जवानों ने परंपरागत रूप से मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। INS कोलकाता को नौसेना के बेड़े में शामिल करते हुए प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों को सराहा। मोदी ने देश के लिए बाहुबल को जरूर बताया और बुद्धि बल की तारीफ की। ये INS कोलकाता नौसेना के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित हो रहा है, वह भारत के बुद्धि बल का भी परिचायक है। भारत के ही टेक्नीशियनों ने, भारत के ही इंजीनियरों ने, भारत के ही रक्षा विशेषज्ञों ने इसका निर्माण किया है। देश में बने इस युद्धपोत के लिए प्रधानमंत्री ने नौसेना को बधाई दी और कहा कि INS कोलकाता दुनिया के सामने हमारी निर्माण क्षमता की सनद है। देश के इस युवा बुद्धिबल को, उनके सामर्थ्य को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र की धरती पर थे तो जाहिर था कि उस धरती की पहचान माने जाने वाले महापुरुष के बारे में बोलना ही था। भारत छोटे छोटे जहाजों से जब विश्व व्यापार की ओर आगे बढ़ रहा था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज को यह ध्यान आया था कि विश्व व्यापार के लिए भी सामुद्रिक सुरक्षा का महत्व है, और उसी में से सर्वप्रथम नौसेना का प्रारंभ इसी समुद्र तट पर हुआ था। प्रधानमंत्री ने पहले INS कोलकाता को नौसेना के बेड़े में शामिल किया, इसके बाद महाराष्ट्र की धरती पर शिवाजी को याद किया। INS कोलकाता ने नौसेना की ताकत बढ़ाई तो जाहिर है बीजेपी की ताकत बढ़ाने के लिए मोदी ने शिवाजी को याद किया। आज तक ब्यूरो। वैसे आपको ये बताना जरूरी हो जाता है कि INS कोलकाता 2010 में ही भारतीय नौसेना में कमीशन होने वाला था, लेकिन इसमें टेक्निकल और कंस्ट्रक्शन के तौर पर कई खामियां थी, इसलिए 4 साल का विलंब हुआ। अगली खबर, हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। उम्मीद थी कांग्रेस के पूर्व सांसद और मजबूत जाट नेता बीरेंद्र सिंह आज औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए। हफ्ते भर में मिशन हरियाणा पर दूसरी बार निकले अमित शाह के सामने बीरेंद्र पार्टी में शामिल हुए। बीरेंद्र सिंह 40 साल से ज्यादा समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे। पिछले कुछ दिनों से वो कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। बीरेंद्र सिंह को कांग्रेस ने सस्पेंड किया। अमित शाह की इस रैली में और भी कई कांग्रेसी टूटकर बीजेपी में शामिल हुए, जिनके नाम का ऐलान बीरेंद्र सिंह ने खुद किया। 17,000 ऐसे पदाधिकारी हैं, ऐसे विभिन्न संस्थाओं के जिन्होंने राजनीतिक जीवन में काम किया है और जो सालों साल कांग्रेस से जुड़े रहे, दूसरी पार्टियों के भी इनेलो के और दूसरी पार्टियों के साथ ही आप पार्टी के बीएसपी के इस तरीके से इस आज के प्रोग्राम में लगभग लगभग 17,000 ऐसे नाम हमने इकट्ठा किए हैं जिन्होंने कांग्रेस बिकनी और बीच को लेकर गोवा फिर चर्चा में। इस बार गोवा के विधायक ने बिकिनी बीच की मांग की है। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के विधायक लावो मामलेदकर ने मांग की है कि गोवा में बिकनी बीच बने, जिसमें जाने के लिए बकायदा एंट्री फीस लगे। इससे पैसे भी आएंगे और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले गोवा के मंत्री सुदीन धावलेकर ने बीच पर बिकनी पर रोक की मांग की थी। अगर किसी को लगता है बिकिनी की वजह से ये टूरिज्म कम हो गया, तो अगर टूरिज्म बढ़ाने का है
तो आप गवर्नमेंट टूरिज्म बढ़ाने के लिए बिकिनी का एक बीच बनाने का, उसको नाम भी बिकिनी देने का और उसमें एंट्री फी भी लगाने का, ताकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा और टूरिज्म भी बढ़ जाएगा। इसमें यह भी नहीं ये है कि उसमें यूनिसेक्स बोथ मेल फीमेल वो बीच पे जा सकती है। जब बेटे पर मचा बवाल तो बचाव में खुद मुख्यमंत्री उतरे। बात बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की, जिनके बेटे पर एक लड़की के साथ होटल में जाने का आरोप लगा। तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फिर आया मुख्यमंत्री का यह बयान। इसलिए ये सब बात सब एकदम राजनीति साजिश के तहत ये सब सारी बात है। इसमें कोई नहीं, हम तो कहा अभी एक जगह और इको पार्क में तो बहुत से लड़के लड़कियां बैठते हैं, तो क्यों नहीं उसकी चिंता होती है? उस प्रकार से मान लीजिए मेरा बेटा कहीं गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूम रहा होगा, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, हो सकता है, स्टोक कर रहे हैं, हो सकता है। अभी हम कैसे कहें, हम तो कह रहे हैं कि हो सकता है। डैडी बड़े कूल हैं।